नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर बालाघाट जिले से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बालाघाट सिवनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अधिकृत उम्मीदवार सम्राट सिंह सरस्वार जी ने आज अपने गृह निवास बालाघाट से हजारों सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रैली के माध्यम से हनुमान चौक एवं नगर के चौक चौराहों से रैली निकालकर अम्बेडकर चौक के समीप तुरकर भवन में सभा का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष सिंगार जी, जिले के कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी विधायक कार्यकर्ताओं ने जनसभा को संबोधित किया और कहा गया कि लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के सामने मोदी की गारंटी देते हैं, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जनता से वादे करती है और भी आगे क्या क्या आरोप लगाए देखिए इस वीडियो में। बालाघाट सुप्रीम पावर न्यूज की रिपोर्ट। पुरानी परंपरा है न्याय की, अंतिम छोर पर बैठे हुए गरीब और सबसे पीछे रहने वाले इंसान की मदद की हम अपना वादा निभाएंगे। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने धैर्य दिखा इसी तौर से कांग्रेस बालाघाट में मजबूत है, अगला सांसद आप लोग बना के देंगे, ये मुझे विश्वास है। पूर्व सांसद गो सिंह जी, माननीय विश्वेश्वर भगत जी, माननीय हमारे सम्राट जी, वर्तमान लोकसभा जिला पंचायत के अध्यक्ष और लोकसभा के उम्मीदवार नामांकन रैली के प्रमुख हमारे जीतू पटवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष।